प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, जनार्दन जी, पूर्व सांसद बिहारचंद जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री रामपाल जी जाट, विधायक अभिषेक जी, पूर्व विधायक निशान जी चौधरी, विधायक रणवीर जी पहलवान, पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची, पूर्व विधायक सुरेश जी चौधरी, नगरपालिका के चेयरमैन साहब, जिला अध्यक्ष काशीराम जी और प्रधान, आपके क्षेत्र के और मेरे सामने बैठी हुई इतनी संख्या में आई हुई सब माता बहने आपको सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगी, सबको प्रणाम। और उसके साथ साथ इस तरफ और इस तरफ सामने बैठे हुए सब मेरे भाई, मेरे सब बुजुर्गण, आप लोगों ने यहाँ आके जिस प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया है उसके लिए मैं बारंबार आप लोगों को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वाकई में आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि हम मान रहे थे आते आते और आप लोग तक पहुंचते पहुंचते मैं समझती हूँ कि घंटे से ऊपर लग गया है, उसमें दर्शन भी हो गए, आप सबके दर्शन भी हो गए और आज आप लोगों के बीच में यहाँ आने का मौका आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ। माफी भी चाहती हूँ कि आप तक काम से पहुंचते देर हो गई, परंतु ये सब लोगों का प्यार और इसी के लिए हम जीता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चलते चलते लोगों ने जो प्यार दिया है यही हमारा एक बहुत अमूल्य धन है। ये जब तक हमारे साथ है तब तक हम लोग दौड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे और राज नहीं आपकी सेवा के अंदर पूरी तरह से लिप्त होकर आपके मिश्रित राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी गंगानगर की बहुत सारी बातों को समझने को सुनने की कोशिश की है। सबसे पहले आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूं तो नहरी इलाका का दौरा करते हुए आई हूं। मैंने सबसे पहले देखा कि आप लोगों के पानी की सबसे बड़ी मुसीबत है, ऐसा गंदा पानी आप लोगों तक आ रहा है जो कोई पी नहीं सकता, जानवर छोड़ो आज भी तो पी नहीं सकता। और वो पानी पंजाब से आता आ रहा है, उसमें केमिकल्स है, गंदा पानी है और वो आपके पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है कि इसके लिए मैं गई थी पंजाब और पंजाब के लोगों से मैंने बात भी की थी, कुछ थोड़ा सा काम उसमें हुआ था, परंतु उसके बाद में जो सरकार आई थी अगर उसने प्रेशर लगा दिया होता तो शायद बादल साहब की सरकार की ओर से हम लोगों का ये दूषित पानी साफ किया गया होता और हम लोगों को मुसीबत नहीं होती। इसके साथ साथ हमने ये कह दिया था सब लोगों को कि आप लोगों को एक सफाई करने का प्लांट उसके साथ लगाने की जरूरत है जो पानी को साफ करे, और वो अगर पानी साफ हो जाता है तो भी आप लोगों तक पहुंचेगा तो भी आपको मुसीबत नहीं डालेगा। वो भी प्लांट मैं देख रही हूँ कि नहीं हुआ है, परंतु आने वाले समय के अंदर उस प्लांट को लगाने का काम हम लोग करेंगे ताकि ये दूषित पानी आप तक साफ पहुंचने की जरूरत नहीं हो। कनाल के रिपेयरिंग के लिए अभी मैं देख रही थी, अभी इसी के मेरे को बता रहा था वहां लोअर में और जगह जगह में देख रही थी छोटे छोटे रिपेयर करने का काम है वो सरकार रिपेयर नहीं कर सकती, कहती है कि 30 लाख रुपए नहीं है, 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। अरे छोटा छोटा काम अगर हो जाता है तो नहर ठीक हो जाती है और जैसा पानी उसमें से निकलने की जरूरत है वो पानी आराम से निकल जाता है, परंतु तो कहीं घाटा पड़ जाता है, कहीं गंदगी रह जाती है तो जो तेल के लोग हैं उनको सही तरीके से जैसा पानी मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। मुझे याद है कि मैंने इस पूरे नहरी इलाके का गर्मी के महीने के अंदर दौरा किया था और मैंने जगह जगह पे जाके देखा कि समस्या क्या है, तो दूषित पानी की समस्या तब भी आई थी, कनाल की रिपेयर की तब भी आई थी और उस कनाल की रिपेयर के लिए करोड़ों रुपया हम लोगों ने देंगे काम करना उसने शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ जहां सिल्टिंग का काम हुआ था उस सिल्टिंग को सफाई करने के लिए और अलग अलग किस्म की मशीन हम लोगों ने लाके उससे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिल्ट को निकालने का काम किया और साथ साथ में नीचे के तेल के लोगों तक
पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझती हूँ आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। आप लोगों के अंदर पानी पहुंचा के हमने छोड़ा था, जितना पानी आपको आना चाहिए था उस पानी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और देखा था कि गरीब से गरीब आदमी को वो पानी पहुंचने का काम हो जाए, ये हम लोगों ने आपके यहाँ काम करके दिलवाया। मैं 4-2.5 महीने से देख रही हूँ और 4 संवाद से गुजर के निकली हूँ, तो मैंने देखा कि हर संवाद के अंदर पीने के पानी की घोर समस्या है। अब आज चाहे आप किसी भी जात के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी के भी जात के हो, सबको पानी चाहिए, सबको बिजली का इंतजाम चाहिए और सबको रास्ता, कम्युनिकेशन, ये सब काम वो सब लोग चाहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को पानी मत पिलाओ, कोई ये भी नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए मुझे बिजली की जरूरत नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को मिलना जरूरी है। आज 63 साल निकल गए, 63 साल निकल गए, 63 साल के बाद अगर आपको पीने का पानी नहीं है और बिजली नहीं मिलती तो ये लानत है ऐसी सरकार से। इस सरकार को 1 मिनट भी उस कुर्सी पर बैठने का मौका हम लोगों को देना नहीं चाहिए। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जवान मौका मिला है उनको खुद ही लोगों को लाने का काम हम लोगों को करना होगा। इन्होंने लोगों के अंदर जहर फैलाने की कोशिश की है, इन्होंने कोशिश की है कि सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाए और वोटों का फायदा उनको हो जाए, तो वोटों के फायदे ले ले और किसी कोई काम करने की उनको जरूरत नहीं है। आज मैं गांव में जा रही हूँ तो माता बहने मेरे को कह रही है कि हमको बिजली आपने जो दी थी वो नहीं मिल रही है। किसान कह रहा है कि जो हमको बिजली मिलनी चाहिए थी 8 घंटे की वो 2-2.5 घंटे मुझे मुश्किल से मिलती है और वो भी ट्रिपिंग के साथ। जो हमको ट्रांसफार्मर फ्री मिला करता था सरकार की ओर से, आज चाहे तार हो, चाहे आपके पोल हो और चाहे ट्रांसफार्मर हो, इन सब के पैसे किसान को भरना पड़ता है। और ट्रांसफार्मर अगर कहीं जल जाता है तो वो ट्रांसफार्मर 1-2 महीने के लिए वापस नहीं आता, और वो तभी वापस आता है जब आप रिश्वत किसी को देते हो। क्या ये सही है? सही है ना? यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, सब लोगों को पानी की किल्लत है कि नहीं? सब लोगों को बिजली की किल्लत है कि नहीं? आज मेरे से लोग पूछते हैं सरकार पे आकर सरकार चला रही है, सरकार क्या चलाती है? अगर लोगों को ये नहीं दे सकती तो मैं नहीं समझती हूँ सरकार को अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हमको सही तरीके से रोजगार मिले, हमारी पढ़ाई लिखाई हो, वो चाहते हैं कि डॉक्टर हो अस्पताल के अंदर। अभी मैं देख रही थी कि आपका यहाँ 150 बेड का राजकीय अस्पताल है, वहाँ पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, ये बिल्कुल कमी है। और इसी के साथ साथ ना जांच नहीं हो सकती है और ना ऑपरेशन हो सकता है। लोग ये बताते हैं कि ट्रॉमा सेंटर खोल दिया है परंतु 3 साल से उसके ऊपर ताला लगा है, क्या ये सही है? ये सही है। और आप समझिए कि सरकार ने पैसे लगाए, पैसे लगाकर सेंटर बनाया, हॉस्पिटल लगाया और उसके अंदर अगर डॉक्टर नहीं है, अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो क्या होगा? इतनी सारी जनता का जाएंगे कहां, किससे काम करवाएंगे और किसके पास जाके अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगे? इसी तरीके से आप स्कूल का देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर शायद मुश्किल से 1 या 2 अध्यापक हैं, उनके भरोसे चल रहे हैं और कई तो बंद पड़े हुए हैं। मैं ये देख रही थी कि हनुमानगढ़ के एकमात्र राजकीय कॉलेज में भी आप याद बताए कि कोई पद वैसे के वैसे खाली पड़े हुए हैं, क्या ये सही है? आपका कॉलेज उसके व्याख्यता खाली है ही नहीं और आपके उनके पास खाली पड़े हुए हैं, तो बच्चे जाते तो कहां जाते हैं पढ़ने के लिए? इसी तरीके से आज आपके यहाँ एक स्पिनपेट मिल है, उसके अंदर उसके कुप्रबंधन की वजह से वो मिल भी बंद होने की कगार पे आके रह गया है और अगर बंद हो जाता है तो करीबन 1200 आदमी सड़क पे आ जाएंगे। आज हमारे पद खाली पड़े हैं, टीचर्स नहीं है, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और हम वो पद नहीं भर रहे, हम पद नहीं भर रहे। मैं कहती हूँ कि जो भी बाधाएं आती हैं लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, उन बाधाओं को हटाने का काम सरकार का है और नौकरियां दिलवाने का काम वो भी सरकार का है। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाती हूँ कि जब पिछले वर्ष हम लोग 10 लाख
नौकरियां दे सकते थे, आने वाले समय के अंदर अब क्यों नहीं सरकार ने कोई नौकरियों का इंतजाम किया, या कोई है जिसको नौकरी मिली है सरकारी, ये 5 साल के अंदर है कोई जिसको मिली है नौकरी क्षेत्र के अंदर? लोग आते हैं मेरे को ये भी कहते हैं कि नौकरी का कोई इंतजाम हमारे लिए नहीं हुआ, तो इंतजाम होगा कि नहीं? ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से 10 लाख जिस लाख नौकरी हम लोगों ने की थी, उस तरीके से आने वाले समय के अंदर भी वो 10 लाख नौकरी देने का अंगीकार करेगा। शहर के अंदर सही तरीके से बिजली नहीं, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, आम जहां जहां मैं जाती हूँ मेरे को लोग यही कहते हैं कि शहरों की हालत इतनी खराब है। हमने अपने समय में शहरों का काम करना शुरू किया था, गौरव पद का इंतजाम किया था, शहरों के अंदर बिजली सही तरीके से आए उसका इंतजाम किया था। आज मैं देख रही हूँ कि हमारा किसान दुखी है, हमारा व्यापारी दुखी है। ये शुद्ध का युद्ध मालूम नहीं आपके यहाँ चलता है कि नहीं चलता है, चलता है क्या, चल रहा है क्या? मालूम नहीं कितने युद्ध कर लिए हैं और कितनी शुद्धि आ गई है। मैं भी समझती थी कुछ हुआ है यहाँ, माता बहने लोगों को दुखी करने के सिवाय और किसी को कुछ नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, या चेन तो खिंचती खिंचती है और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, राजस्थान का नाम आज कलंकित हो गया है। हम लोगों को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि हमारी महिला अपना सिर उठा के इज्जत से सड़क पर नहीं बैठ सकती। जयपुर के अंदर जो हालात हुए उन बेचारे गरीब मूलपतियों के साथ, वो सब लोगों को यहाँ मालूम है। और आज अगर हमारी बच्ची कहीं स्कूल या कॉलेज चली जाती है तो जब तक वो घर वापस नहीं आती तब तक हमारा दिल धड़कता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। ये हमारी महिलाओं की स्थिति है। मैं मानती हूँ कि जो घर का मुखिया होता है, अगर वो घर का मुखिया हमारी बहन की बेटी की इज्जत को संभाल नहीं सकता तो उसको घर के मुखिया बनने का हक नहीं है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज मैंने भी पढ़ा, आज तो आप लोगों ने भी अखबार पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा आज कहीं राजस्थान के अंदर कि हाँ है पद खाली, तो टीचर के तो पद खाली होते ही है, डॉक्टर के पद तो खाली होते ही है, वो तो कभी कभी होता ही है। अरे होने का मतलब क्या है, क्यों है और क्यों नहीं इन लोगों को लिया गया हो, क्यों नहीं लोगों को नौकरियां दी गई है, क्यों नहीं लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया गया है? मैं ये सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर सरकार के अंदर लोग ही दुखी है, अगर सरकार के अंदर बच्चे दुखी है, बच्चे चिल्ला चिल्ला के कहते हमारी नौकरी का इंतजाम करो, ऐसी स्थिति में वो सरकार कहां बच सकती है? मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, वहां 10 साल सरकार को मिले और उन्होंने मध्य प्रदेश का कार बंद करके रख दिया। एक तरफ गुजरात को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को 15 साल मिले और 15 साल के अंदर गुजरात का तो काया पलट कर ही दिया और देश का भी हमारी हमारी इज्जत को बढ़ा के रखा, हमारे स्वाभिमान को बढ़ा के रखने का काम उस तरह से मोदी ने किया। यहाँ राजस्थान के अंदर बीमारू प्रदेश मिला था हम लोगों को, उस बीमारू प्रदेश को बीमारू श्रृंखला से निकाल के हमने अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया। 5 साल मेहनत करके बिजली का ये इंतजाम कर दिया कि 5 साल हम लोगों को मिल जाते तो आप लोगों को बिजली 24 घंटे घर के अंदर मिल जाती। और मैं माता बहने आपको कह रही हूँ कि आने वाली सरकार अपनी आएगी तो ये 24 घंटे घरेलू बिजली आपको मिलेगी। करके देखा है, इच्छा शक्ति की कमी है, अगर सरकार चाहती है तो ये आराम से कर सकती थी। जब हमारी सरकार गई 2008 के अंदर तो उस समय 18 से 20 घंटे बिजली घरेलू तक हम लोग पहुंच गए थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर चाहती है तो वो कर सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कितने मुश्किल से वो प्रदेश जिसके हाथ में कुछ नहीं था, जो दर दर भटक रहा था, जिसका मुखिया कहते थे हमारा खजाना खाली है, उस प्रदेश को 5 साल में आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। अब हमारे 5 साल आप हटा दीजिए, नरेंद्र सिंह जी के 7 साल आप हटा दीजिए, 12 साल को हम अलग कर देते हो तो 53 वर्ष हम लोगों ने लगातार कांग्रेस को दिया, एक ही सरकार को दी। और अगर हम लोगों को 53 वर्ष मिल जाते तो यह काया पलट करके छोड़ देते, हम तो 10 साल नहीं कर देते। हमें 53 वर्ष की जरूरत
की जनता के साथ कोई नहीं कर सकता है। मेरे पास आज फेसबुक पे मजेदार कागज आया। एक तो फेसबुक की बात कर रही हूँ, परंतु मैं ये भी देख रही हूँ कि जहां जहां मैं गई हूँ और जहां मैंने घोषणाएं करने की बात करी है, कोई बात करी है कि आपका अस्पताल ठीक नहीं है, तो मैंने देखा कि इमीडिएट बीएससी टीएससी सबकी घोषणा होने लगी है। मैं कहा आप उनकी तो घोषणा कर दो, पर उनके भरने वाले डॉक्टर का क्या करोगे? तो आज मैं देख रही हूँ अखबार के अंदर निकला है नो पीएससी हनुमानगढ़ जिले के अंदर टेंशन मैंने हमने मजबूर कर दिया है। आपने दे तो दिए, परंतु उनके अंदर डॉक्टर भी डालने की जरूरत होगी। वो देख लेना, हमें ताले नहीं डालने देते हैं अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के ऊपर ताला लगा हुआ है, ये ताले से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से आज फेसबुक के अंदर, और आप तो बच्चे लोग क्या बैठे हैं जो फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक को मैंने पढ़ा और फेसबुक पे ये आया, एक किसी लड़के ने बच्चे ने लिखा है कि मुफ्त में लैपटॉप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो, मुफ्त में साइकिल ले लो, मुफ्त में बिजली देने की भी बात कर सकते हैं। आएगा वो भी, अब वो भी आएगा, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। ये सब बात करेंगे परंतु रोजगार नहीं देंगे। अरे कहने का मतलब क्या है? वो बच्चा ये कहने का मतलब बता रहा था आपको कि हम राजस्थान के लोग स्वाभिमानी इज्जतदार लोग हैं, हम किसी के टुकड़े पे नहीं पलते, हम होनार होनर करने वाले लोग हैं, अपने पैर पे खड़े होकर अपने इज्जत देंगे। हमको मौका तो दो रोजगार का, और उसके बाद वो लिखता है कि लेकिन रोजगार नहीं देंगे। फिर लिखता है देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दम लेंगे। ये लिखा उस बच्चे ने, आज मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि देखो मुझे लग रहा था कि मालूम नहीं किन्हीं लोगों के ध्यान में ये बात नहीं आ रही है, परंतु तो बच्चे कहां कहां बैठे हुए हैं और उन्होंने ये सब लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हम सब स्वाभिमानी लोग हैं, हम किसी के जेब के वोट नहीं है, परंतु हम अपने पैर पे खड़ा होकर हम इज्जत के साथ अपनी कमाई करेंगे, किसी को हमारे ऊपर टुकड़े पे पलना नहीं है। ये राजस्थान है, ये वो राजस्थान है जिसका इतिहास पूरी दुनिया पढ़ती है, ये वो राजस्थान है जिसको देखने के लिए दूर से लोग आते हैं, इसकी मिट्टी को छू के अपने माथे पे लगाते हैं, ये वो राजस्थान है। और आज जब लोग आते हैं ये पता करने के लिए कि वो राजस्थान कहाँ है, तो लोग कहते हैं अच्छा जयपुर, अच्छा वो जयपुर जहाँ इस देश में सबसे ज्यादा चैन खींचती है, अच्छा वो राजस्थान जो तीसरे नंबर पे है एससी और एसटी के अत्याचार में, अच्छा वो राजस्थान। शर्म आती है हमको, हम तो समझते हैं कि अपना सर शर्म से झुक गया है, और आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि वो राजस्थान जिसका स्वाभिमान उसको वापस लौटे, जिसकी इज्जत उसको वापस लौटे, जिसकी माता बहने सुरक्षित चले, जिसके बच्चे बेरोजगार नहीं, जिनको रोजगार मिले और जिनको कहीं पलायन करने की जरूरत ना हो, हमारे किसान उनको सही दम पर पानी, सही टाइम पे बीज, सही टाइम पे खाद। आज बीज और खाद का टाइम आ गया है, फिर वही होगा नकली बीज नकली खाद, महंगा खाद महंगा यूरिया महंगा डीएपी। हमारे समय के अंदर 480 प्रति बैग था आपका ये डीएपी, आज कितने का है भाई? अगर आप आ जाइए डीएपी कितना हो गया हमारे घर में 280 या 250 की, आप कितना हो गया? और खुशी की बात है कि कल तो पेट्रोल 2 रुपए और बढ़ गया। मैंने महंगाई के लिए है तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पर एयर कंडीशन कमरे और भ्रष्टाचार की वजह से किसी चीज की कमी नहीं है। यही आपके किस इलाके के अंदर दिखाना संभाग के अंदर आपके देश के जीजा जी आए थे, जिसको बोलते दामाद, का नाम है रॉबर्ट वाड्रा। वो यहाँ आए हमारे मुख्यमंत्री ने उनकी आरती की, उनको दिया आपको जमीन लेनी थी, उनने बीकानेर डिवीजन के अंदर, उनने आपके जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर बेशुमार जमीन ली, और फिर सस्ते दाम पे लेके महंगे दाम पे बेच के पूरा पैसा बटोर के चल दिए। और वहां हमारे पूरे किसान जो गरीब किसान को कहता है मेरे को 1-2 बीघा दिखवा दो, मैं अपना आपकी जीवनी निकालना चाहता हूँ, उनके लिए जमीन नहीं है, बल्कि बाहर जाएंगे उन सबके लिए हमारे पास जमीन है। और भ्रष्टाचार के बारे में उंगली उठाएंगे परंतु अपने तरफ देखेंगे नहीं। मैं कहती हूँ अपने घर बार में झांक के देखो कि राजस्थान का पूरा
किया है, इस 5 साल के अंदर क्या 53 साल के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है। और हमको कहते हैं, किसी ने मेरे से यह कहा कि हमारे यहाँ वो बच्चों के मर्डर हुए हैं उसके लिए सीबीआई को ये केस दिलवाइए। मैंने कहा सीबीआई को आपके लिए टाइम नहीं है भाइयों, सीबीआई तो हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। गुलाब जी जैसा व्यक्ति जिसने कभी मक्खी को नहीं छुआ है, ऐसे व्यक्ति के पीछे तो आपने मर्डर में सीबीआई को लगा दिया। वहां नैना मर्डर कांड जिसको तंदूर में डाल के मारा था, और ऐसे कई कांड है दिल्ली के अंदर, आज दिन तक सीबीआई उसका सर ना पैर पता कर सकी। और वो गुलाब जी के पीछे पड़ी है, मेरे पीछे पड़ी है, हमारे पाइले खंगाले जा रहे हैं, आयोग हम लोगों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा हम लोगों को छोड़ो, कुछ यहां मिलने वाला नहीं है। इतना समय जितना आप हम पे दे रहे हो, अगर उतना समय हमारी जनता को दे देते तो मालूम नहीं राजस्थान का क्या कायापलट हो जाता। परंतु आपको समय नहीं है, आपको सिर्फ यही काम करना है। मैं आप लोगों को आज आगाह करने आई हूं, 4 महीने बाकी बच रहे हैं। आपने देख लिया कि कुबेर का भंडार किस तरीके से खुल गया है। आपने यह भी देखा कि रेवड़ियां कैसे पट रही हैं। अरे पेंशन चाहिए, पेंशन ले लो, साइकिल चाहिए, साइकिल ले लो, आपको नदी चाहिए, नदी ले लो, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग ले लो, अरे जो चाहिए ले लो, वोट का इंतजाम कर दो। यही कहने का मतलब मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमें एक नया राजस्थान बनाना है। हमें इनकी शब्दों में पड़ना नहीं है, पैसा तो सब अपना ही है, जो रेवड़ी पट रही है वो सब अपनी है, उनको ले लो। परंतु मैं ये कह रही हूँ, जब अपन जाएंगे उस समय ये याद रखना कि हमको ये मौका रोज रोज नहीं आएगा। जो आदमी आज 4 महीने के अंदर रेवड़ी बांट के आप लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों ने आज 4 साल तक ये काम क्यों नहीं किए। यही पेंशन 4 साल पहले दिए होते तो कितने लोगों को फायदा हो जाता। यही लोगों को अगर रोजगार मिल जाता तो 4 साल से कितना फायदा हो जाता। अरे 4 साल में नहीं किए, 4 महीने में घोषणा, और आगे सारे 4 साल ऐसे ही बैठेंगे हम लोग। और राजस्थान इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आते आते जमीन के अंदर घुसाने का काम इस कांग्रेस से पहले भी किया है और आगे भी करने का काम है। आज मैं कह रही हूं लड़ाई है, यह हम लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है, आपको अपने परिवार की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। और अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़े, आपका परिवार विकसित हो, तो जब तक राजस्थान विकसित नहीं होगा तब तक हम कोई भी विकसित नहीं हो सकते, चीज को याद रखना। और अगर आपको राजस्थान को विकसित करना है तो समय आ गया। कोई भी जात नहीं है, कौन है जात, कौन राजपूत, कौन जाट, कौन मीरा, कौन गुजर, कौन सा जात है। सब लोगों को वही काम चाहिए, सब लोगों को वही चीज चाहिए। ये पूरे के पूरे सब 36 के 36 कौन एक साथ, कौन सा हिंदू, कौन सा ईसाई, कौन सा मुसलमान, ये काहे के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये सब लोग एक मिलेंगे तो 36 के 36 कौन सब मतलब मिलकर साथ चलेंगे, सब राजस्थान बनेगा। नया राजस्थान, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, क्या आप लोग नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते क्या? सब लोग चाहते हैं। तो इनकी बातों में हमको नहीं आना है। अभी आपके शहर से हम निकल रहे थे तो ईसाइयों के बहुत बड़े गुट ने हमको आके बड़ा सारा प्यार और सौभाग्य हमको दिया, हमारा स्वागत किया। मैं माइकल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने, जिस तरीके से सरदार भाइयों ने, जिस तरीके से हिंदू भाइयों ने, सब ने मिलकर प्यार दिया, ये हमारे लिए अमूल्य है। मैं कहती हूँ कि इसी के पीछे हम पागल हैं, इसी के पीछे हम भागते रहेंगे। आप तो बस प्यार देते रहो, हम लोग दौड़ते रहेंगे। आप विश्वास देते रहो, हम लोग आपका काम के लिए आगे आगे रहेंगे। और मैंने तब संकल्प लिया था, आज भी आपको कह रही हूँ कि हम लोग राज के लिए नहीं, सेवा के लिए आपके साथ चलेंगे। परिवार चलेगा आपके आखिरी में, आखिरी में मैं ये कहते जा रही हूं कि बेटी के रूप में हूं, कहीं बहू के रूप में हूं, कहीं दमदन के भी रूप में हूं, मेरा हक है आप लोगों के ऊपर, इसलिए कहीं बेटी के रूप से मैं कह सकती हूँ और कहीं बड़ी तुम बहू के रूप में कह सकती हूँ। एक किसी व्यक्ति के हाथ अकेले में सब ताकत नहीं है, ये ताकत आपके हाथ में है। इस ताकत को पहचानो, आप
आपकी ताकत हम लोग पर मिलकर करेंगे, तो यह विश्वास दिलाती हूं कि कोई भी आपके विकास को नहीं रोक सकता है। अपनी ताकत को अजमा के देखो तो सही, राजकार अपनी ताकत को अजमा के देखो तो सही। आपने ये चुनरी भी उड़ाई और अपना बहुत सारा प्यार दिया। मैं बार बार आपको कहती आई हूं, इस चुनरी की कसम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गण और मेरी माता बहनें, इस चुनरी की इज्जत मैंने रखी, स्वाभिमान मैंने रखा, कभी आपको नीच में नहीं देखे दिया और मेरे इस परिवार को मैं कभी नहीं देखने दूंगी। ये आदत नहीं है कि झूठ के ऊपर मैं किसी का वोट दूं, और इसलिए कभी कभी मेरे को डर भी लगता है क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते में चलने वाले लोग, और मैं नहीं बोलूंगी, मेरे पास लोग आते कहते हैं बोल दो, मैं नहीं बोल रहा, जो बोलना है वो सत्य बोलना है। और आपको कभी बरगला के आपके वोट देने का मैं नहीं फायदा करने वाली हूँ वोट के पीछे, पर याद रखना डर लगता है कभी कभी कि आप हम लोग सच बोले और वहां रेवड़ी बटे, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोगों को लगे अच्छा रेवड़ी ले लो, ये रेवड़ी एक महीने से ज्यादा नहीं बचने वाली। याद रखना आपने कुछ जिंदगी निकालनी है, और एक ऐसी जिंदगी निकालनी है जिसमें राजस्थान को हमको आगे ले जाना है। अरे गुजरात निकल गया आगे, मध्य प्रदेश निकल गया, तमिलनाडु निकल गया, दिल्ली निकल गया, राजस्थान क्यों नहीं निकला? और राजस्थान निकलेगा क्योंकि आज दुनिया में नाम अगर है तो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, गुजरात के साथ हमारा भी है, राजस्थान का भी नाम है, इसको नहीं भूलेंगे। इसको याद करते हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। एक नया राजस्थान का सपना, हमारी महिलाएं आगे आगे, हमारे युवा अपने पैर पे खड़े, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं, नई राजस्थान के अंदर उनको नौकरी मिले, हमारे उनके साथ साथ हमारे किसान अपने पैर पे खड़े रहे। आज उनके लिए आत्मनिर्भर होने की जगह नहीं है। कभी कभी आप सुनते हो कि वो आत्महत्या करने की तैयारी में है, ऐसे दिमाग नहीं, हमारे किसान आगे बढ़े रहेंगे, हमारे व्यवसाय फैक्ट्री लगेंगी, एक ऐसा राजस्थान होगा दोस्त लोग आएंगे कहेंगे कि हाँ राजस्थान के अंदर पैसा लगाना है, देश के अंदर कहीं पैसा लगाने जाना है तो राजस्थान चलो। ये परिस्थिति बनाना चाहते हो कि नहीं? अगर हाँ तो फिर सब लोग मिल जाओ। याद रखो कि हम सब एक है, हमारी एकता में हमारी आवाज है, और हम सब मिलकर जब जाएंगे तो विश्वास रखो कि राजस्थान आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ आप सबका भविष्य भी बनेगा, एक सुखी समृद्ध खुशहाल राजस्थान। इस चीज के लिए आप भी बढ़ रहे हो, भी बढ़ रहे हैं, अगर तैयार हो डराएंगे भगताएंगे, घबराओगे तो नहीं, तुम डरोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं, आके हाँ कर दिया सीबीआई पे, हम तो नहीं डरे पर मान लिया आप लोगों को कैसे डराएंगे, डरोगे तो नहीं, नहीं तो मेरे साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक नारा राजस्थान के लिए, मैं जय